नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल टीच सूरज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo T2 Pro 5G फ़ोन में ऐप क्लोन या डुअल ऐप सेटिंग कैसे ऑन करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी Vivo T2 Pro 5G फ़ोन का यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड और यूजफुल होने वाली है। गाइज, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको सेटिंग के द्वारा बताएंगे कि Vivo T2 Pro 5G फ़ोन में ऐप क्लोन सेटिंग कैसे ऑन करें। तो गाइज, हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐप क्लोन दो स्टेप से होगा। आपको फर्स्ट नंबर से सेटिंग के द्वारा करना होगा और सेकंड नंबर आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशन रहेंगे आपको उसी से करना होगा, आपको अलग से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना होगा। तो चलिए हम आपको फर्स्ट नंबर सेटिंग से बताते हैं आपको सबसे पहले करना क्या होगा। आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करना होगा। गाइज, आप अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करना, उसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल अप करोगे, आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप्स का। गाइज, आप ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे, आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऐप क्लोन का ऑप्शन, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको देखिए यहाँ पर मिल रहा है इस व्हाट्सअप, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर। आप यहां से किसी भी एप्लीकेशन को ड्यूअल करना चाहते हो तो आप यहां से ऑन कर सकते हो। यहां से देखिए हमने यहां पे व्हाट्सअप को ड्यूअल किया है, तो चलिए हम अदर एप्लीकेशन को यहां से हम ऑन करते हैं। तो जैसे कि हम यहां से देखिए स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर, यहाँ से हमने सभी एप्लीकेशन को ड्यूअल कर दिया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं हमारे फ़ोन में ये सब एप्लीकेशन ड्यूअल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उसके लिए गाइज, हम आ गए अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर। आप यहाँ से स्लाइड करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाट्सअप, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, जो कि ये सब ड्यूअल हो गए हैं। आपको यहाँ पे हल्का सा रेड देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको सेकंड नंबर से बताते हैं। तो पहले हम उसके लिए अपने यहाँ से देखिए इसे ऑफ कर देंगे, सारे एप्लीकेशन को हम यहाँ से देखिए हम यहाँ से ऑफ कर दे रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ से ऑफ करने के बाद उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अदर एप्लीकेशन से आपके फ़ोन में ही जो डिवाइस रहेगा, आपके फ़ोन में ही एप्लीकेशन रहेगा, उससे आपको डुअल कैसे करना है। तो आपके फ़ोन में देखिए गाइस मिल जाएगा आई मैनेजर देखने को ऑप्शन, आपको इसे डाउनलोड नहीं करना होगा, ये ऑलरेडी आपके फ़ोन में रहता है। तो आप आई मैनेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गाइस, आपको देखिए यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा ऐप्स नोटिफिकेशन का ऑप्शन, आप ऐप्स नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा ऐप क्लोन का ऑप्शन, आप ऐप क्लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, आप फिर से देख सकते हो। आपको यहाँ पर भी वही करना होगा, आप चाहे वहाँ से ऑन कर सकते हो या फिर आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। तो आपको वही सारे एप्लीकेशन भी आपको यहाँ से भी ऑन करना होगा, आप चाहे यहाँ से कर सकते हो या आप सेटिंग के द्वारा वहाँ से कर सकते हो, आपको जहाँ से अच्छा लगे, आपको आपके फ़ोन में जहाँ से सेटिंग मिल जाए आप अपने फ़ोन में कुछ इस प्रकार कर सकते हो। कुछ होता है गाइज, जैसे कि हमारे फ़ोन में हमने अपडेट कर दिया, आपने अपडेट नहीं किया तो हो सकता है सेटिंग में कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर हम आपको जो एप्लीकेशन के द्वारा बताए हैं, यहाँ से आपको जो कितने भी अपडेट आ जाएंगे तो आपको जो है यहाँ से चेंज नहीं होगा। अगर आप भी Vivo T2 Pro 5G फ़ोन में ऐप क्लोन सेटिंग ऑन करना चाहते हो तो आप इस प्रकार कर सकते हो। आई होप गाइज, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।